नमस्कार। सो जिसका इंतजार था हमें नोटिफिकेशन कल ही आ गई थी, हमने अपने फ्रेंड्स को तो बता ही दिया था, लेकिन ये वीडियो हो जाएगा आप सबके लिए। और 11:30 बजे उन्होंने बोला था नोटिफिकेशन में कि आप नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि सब 11:30 बजे मत आ जाइएगा ऑनलाइन, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात को 8 बजे कीजिएगा, ताकि वो स्प्रेड आउट रहे और सर्वर्स क्रैश ना हो। तो मेरी सबसे अपील रहती है कि सब लोग 11:32 पे मत कोशिश कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड कहीं गायब नहीं होने वाला है। तो धीरे धीरे करके मतलब अगले 3 दिन रहेगा, तो एक तो ये है। और इससे ये साबित हो गया जो मैं कई बार अपने वीडियो से बताया जाता कि पेपर पोस्ट को नहीं होने वाला। हम दुनिया भर के पिटीशन डाल लें, बच्चे ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, 17 जुलाई को होना ही है। और देखिए कल जेईई मेन का भी रिजल्ट आ गया है, बाकी सब भी हो गया। तो बेसिकली इस साल गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो कोविड का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो। लास्ट ईयर बहुत लेट था, इस बार मेरी जो रफ एस्टिमेट है वो ये है कि इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज 1 नवंबर से चालू हो जाएंगे। मतलब दिवाली ब्रेक भी निकल जाएगा वो शायद 26 तारीख की। मतलब मेरा ये कट फील है कि 1 नवंबर से वी विल सी बीटेक बैचेस, एमबीबीएस बैचेस एंड ऑल अदर कोर्सेस। तो अगस्त मिड में नीट का रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2.5 महीने रहेंगे काउंसलिंग खत्म करने के लिए। अब वो बात अलग है कि 1 नवंबर से 15 नवंबर हो गया खासकर एमबीबीएस, पर ये मेरी रफ एस्टिमेट है आप सबके लिए। इंटरेस्टिंग चीज जो इस इन्फॉर्मेशन में है वो ये है कि इस साल जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो बढ़ के 18,72,000 हो गए हैं, 18,72,000। और दिस वंस अगेन प्रूव्स माय थ्योरी, जैसे ऐसे करियर काउंसलर ना मेरे पास लोग आते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो एज ए काउंसलिंग कंपनी हम बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ एमबीबीएस नहीं करते। तो हमारे पास अलग अलग ब्रोशर है, तो सोचिए एक ब्रोशर है एमबीबीएस इंडिया, एक है बाकी सब कोर्सेज इंडिया, एक है एमबीबीएस अब्रॉड और एक है नॉन एमबीबीएस अब्रॉड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस आई गिव टू एमबीबीएस एज ए कोर्स। और वो साबित होते हैं इसी नंबर से कि 18,72,000 किसी भी और पेपर में बाई फार शायद CUCET जो हम मान के चले थे करोड़ों में जाएगा, उसका भी शायद नंबर से वो कुछ लाखों में रह गए। और उसके अलावा कैट तो 2 लाख पे, क्लैट का आज तक 1 लाख भी पार नहीं हुआ, जेई मेन भी गिर के 10 लाख के नीचे आ गया है, और नीट है वो बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए सेफ एंड रिस्पेक्टेबल कोर्स कॉल्ड एमबीबीएस। तो मैं लोगों से वही हमेशा कहता हूँ कि एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस ही करना है, फिर वो बीडीएस और आयुर्वेदिक होम्योपैथी मत कीजिएगा। अल्लाह सकते जो है वो वेरी क्लियर कट करियर प्लान एंड पाथ। 18,72,000 लोगों ने करा है, संडे को होने वाले हम सब जानते थे, 2 से 5 होएगा, 5:20 का टाइम दिया है थोड़ा तैयारी के लिए, जो सुना था नहीं पेपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलेगा। और इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है, आप कल वही जो मेन एनटीए नीट की वेबसाइट है उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड, मतलब आज 12 बजे से, ठीक है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और 17 जुलाई के बाद हम जानते हैं 4-5 दिन में एटलीस्ट हमें हमारे मार्क्स तो पता चल ही जाते हैं, रैंक पता नहीं चलती है, मैं असल लोगों को कहता हूँ, बट आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। और फिर हम एक आइडिया लगा सकते हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर रैंक्स आप कहाँ खड़े हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको अगर एमबीबीएस इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है या प्राइवेट मिलने वाली है, या प्राइवेट कितना जोर लगा के मिलने वाली है, किस बजट पे मिलने वाली है, अब्रॉड में जब जाना हो तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सब डिसीजन करने के लिए ही हम हमेशा अपने वीडियोस में मैं बताता हूँ, आज और क्लियरली बता दूँ। तो आई डिस्कस पर्सनली विद स्टूडेंट्स और उसका हम एक नॉमिनल 5,000 रुपीज फीस लेते हैं, जिसमें मार्क्स को देख के मैं बता देता हूँ कि बच्चा क्या क्या कर सकता है, और उसके हिसाब से अगर आप बाद में हमको हायर करते हैं तो यही फीस, चाहे वो हमारा एमबीबीएस अब्रॉड का पैकेज हो या एमबीबीएस इंडिया के जो हमारे वेरियस 4 पैकेजेस हैं, उसमें एडजस्ट हो जाती है। सो मैं पिछले 5-7 दिन से फोन आ रहे थे, मैंने सबको ये कहा कि मैंने कहा तो नीट आई है, नीट ले लीजिए, एक बार आपके मार्क्स आ जाए उसके बाद 20 जुलाई के बाद फोन कीजिए, एडवांस फी पे कीजिए। ये नॉमिनल फीस जो 5,000 रुपीज है फॉर 30-40 मिनट डिस्कशन विद मी ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप आना चाहे हमारे दिल्ली के ऑफिस में यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो ऑनलाइन भी हो सकती है। और नंबर हमारा अपॉइंटमेंट फीस करने के लिए हमेशा सेम ही रहता है, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, 9643362320। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एग्जाम एंड डू वेल। आई रियली होप कि सब बच्चे अच्छा करें, लेकिन थर्सडे नीट में यही है कि उन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि 50% जनरल कैटेगरी के बच्चे तो नॉन क्वालिफाई में जाएंगे ही जाएंगे और 40% दूसरी कैटेगरी के, तो उन सब बच्चों को तो फेल होना ही है। तो ये भी एक थर्सडे है कि हम जानते हैं कि 18,72,000 में से कम 8 लाख बच्चे होंगे जो कि नीट फेल माने जाएंगे,
तो ये गवर्नमेंट ने कर रखा है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट कि आप किसी को नीट डिस्क्वालीफाई करो, पर जो पॉलिसी चल रही है उसको तो मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।